अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी से हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, हमारे खाने हमारी पहचान और सीक्रेट फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। गल हुंदी है जदों भी सीक्रेट फुटस्टेप दी तो बहुत ज़्यादा सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने सिर्फ रावलपिंडी नाल जुड़ियां हुई हैं, सिखिज़म के हैडक्वार्टर के नाल ने। तो सिखिज़म के हैडक्वार्टर के विच एक जिहड़ी बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ सी, वह आलू चने की पाव भाजी सी। पाव भाजी जिहड़ी है वो सिर्फ पिंडी की पहचान है और पिंडी के अंदर जिहड़ा है तकरीबन ट्रेडिशन जिहड़ा सी 200 साल पहले शुरू हुंदा है, जदों के सिख दौर का अरूज आंदा है इत्थे। और इत्थे आन दे नाल लाजमी गल है, क्योंकि ज़्यादा सिखिज़म विच लोग वैजीटेरियन ने और वैजीटेबल्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आलू और चने की पहली मरतबा जिहड़ा कॉम्बीनेशन सी तैयार किया गया, और उस तो बाद ग्रीन चिलीज़ का यूज़ है, टमाटर का यूज़ है। इनू प्रॉपर तरीके नाल जिहड़ा पहले गलाया जाता और उस तो बाद मसाले चन फ्राई किया जाता, जैस इत्थे ते इन्होंने लिखा कि लाहौरी फ्राई चने ना, लेकिन ये बहुत घट लोगों ने पता है इसकी हिस्ट्री जड़ी है। ये पाओ भाजी है, पाओ भाजी जड़ी है ये नेशनल डिश है सिखिज़म की। मेरे दोस्त ज़ियारत अब्बासी साहब जड़े फोत हो गए ने, जे पाइनियर सी इस काम के, फैज़ाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटी के सेंटर एरिए खलोता है मैं, और इन्हों का तकरीबन 12 घंटे दुकान खुली रहती है, 12 से 14 घंटे, और बहुत अच्छी सेल है इन्हों की। हूँ उन्होंने जगह पर उन्होंने छोटे भाई जड़े ने परवेज अब्बासी ने काम नू रन कर रहे हैं, तकरीबन 6-7 महीने हो गए ने उन्होंने डैथ हो गई, क्योंकि वो मेरे दोस्त सन, ए उन्होंने छोटे भाई ने। तो इन्हों की इस चीज़ की सर्विंग जी है वो तुसी एक प्लेट सन तैयार करके दिखाओ किस तरीके तैयार करते हो। देखो चने और बीच एक पीस आलू का गया, और एक ग्रीन चिली बीच आ गई, एक टमाटो आ गया, और उस तो बाद पिकल अचार ट्रेडिशनली, दही का रायता, और ये देखो तुसी मैनू एक बंदे ने कहा सी कि पिंडी के इलाके रुमाली रोटी तैयार होंदी सी, ए देख लो रुमाली रोटी अज भी तैयार हो रही है, जिहड़ी थिन थिन जिहड़ी रोटी सी बिल्कुल बारीक जिहड़ी है वो अज भी यह रोटी तैयार हो रही है। देखो और प्रोसेस है, आटा बिल्कुल तैयार हो रहा है, पेड़े बने हुए हैं, और भाई जिहड़े ने देखो तैयार करते हैं, और नाल ही है गई पकन वास्ते तैयार हो गई। यह प्रोसेस ही रुमाली रोटी का, रुमाली रोटी जड़ी है, यह जड़ी रुमाली रोटी है यह आलू चने की पाव भाजी जड़ी है उदे नाल इनू इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ा प्यारा बिल्कुल लाइट जी रोटी होंगी, और मैं अक्सर औकात जड़ा मैं खाने वास्ते इतने आना वहाँ। यह आ गई यह कंप्लीट जड़ी है एक बंदे की मील है, और यशपाल सेठी साहब ने मैंने एक दिन जिक्र किया कि बचपन जो मैं दो आने लैके जाता सी तो 6 कुलचे और मैं एक प्लेट चने भी लैके आता सी। असल चने वो वाले ने, जिहड़े दूसरे चने ने तो ट्रेडिशन लाहौर का है, रावलपिंडी का ट्रेडिशन जिहड़ा, जिहड़े रावलपिंडी के रहने वाले ने 1947 तो पहले पार्टीशन तो पहले जिहड़े लोगों ने देखा है वो लोग दसनगे कि भी यह जिहड़ी डिश है जिहड़ी मैं जिन्हों पाव भाजी कह रहा, कुछ लोग पाव भाजी समझते हैं बिहार वाली, बिहार वाली या यूपी वाली नहीं, वो वाली पाव भाजी वो अलहदा है, उसकी रेसिपी भी अलहदा है, लेकिन यह जी पाव भाजी है यह स्पेशली जी तुम समझ लो कि सिख नैशनल डिश सी, और सिखिज़म का हैडक्वार्टर रावलपिंडी से, लिहाजा इतने ज़्यादा प्रवान चढ़ी और हूँ तक ये वाकया तुम्हें जोड़े ने मिलते हैं। प्रवेश साहब कितनी देर तो चल रहा है? इंशाल्लाह 32 साल तो सारा मिशन जारी है, 32 साल से चला रहे हैं। हाँ जी 32 साल तो भाई इन्हों के व्डे चला रहे थे, हूँ इन्हों की जिम्मेदारी पर आ गया काम, और एक सर्विस किन्ने भी जी है पूरी तैयार की थी? जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ ओनली 70 रुपीज़ ऑफ पाकिस्तानी, मीन के इक्वल टू 1 US डॉलर भी नहीं है, मतलब कि 70 पेनीज बल्कि इक्वल टू 70 पेनीज। तो जिस वक्त भी तुम ट्विन सिटी इस्लामाबाद जाते हुए रावलपिंडी के चौक फैज़ाबाद के नाल किसी पूछ लवो
कि फ्राई चने वाले की दुकान कड़ी है तो यह दुकान मिलेगी और बहुत अच्छे रिजनेबल और इन्हों की जी फूड है वो बिल्कुल साफ सुथरी है और उस तो बाद प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है जिना कि क्या ट्रेडिशनली चलता आ रहा है पिछले 200 साल तो यह ट्रेडिशन शुरू होया सी मैं दसिया कि सिखिजन के हैडक्वाटर तो और अंदरून शहर लाहौर रावलपिंडी तो मेन दुकान अज भी यदि कॉलेज रोड देते ने एक उस्ताद सन इन्हों के वो लाते हैं दूसरे यह लाते हैं और तीसरे एक शख्स जोड़ा आप पारे दे लाते हैं लाया जाता है अक्सर लोग कहते हैं कि रावलपिंडी की कोई डिश जी है ट्रडिशनली स्पैशल नहीं है तो यह देख लो तुम जे लोग कहते हैं कि रावलपिंडी ट्रडिशनली डिश कोई नहीं है तो रावलपिंडी की ट्रडिशनली डिश देख लो पाव भाजी आलू चने की पाव भाजी है जी मैं तो अपना होस्ट पाव भाजी देखते रहो हमारे खाने हमारी पहचान सिक्रेट फूड स्टेप्स इन पाकिस्तान।